हेलो टॉपर्स, हाउ आर यू। आप देख रहे हैं इंस्टीट्यूट टॉपर्स की एक नई वीडियो, और ये जो वीडियो है वो है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर के ऊपर, जो कि चैप्टर वन है कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट का, और ये चैप्टर फर्स्ट की थर्ड पार्ट है। तो पार्ट वन एंड पार्ट टू का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जाके चेक कर लीजिए, और जो उसमें इंफॉर्मेशन दी हुई है वो आप समझ लीजिए कौन कौन से टॉपिक्स मैंने उसमें समझाए हैं। तो ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ट्यूटोरियल स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं उसके बाद, ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आप मिस ना करें। तो ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं। इनपुट डिवाइस। अब किसी भी कंप्यूटर में जो डेटा डाला जाता है वो इनपुट डिवाइस के जरिए डाला जाता है। अब इनपुट डिवाइस क्या करते हैं, डेटा को एक्सेप्ट करते हैं जिस फॉर्मेट में है। आपने ए दबाया तो ए, ठीक है, आप जिस फॉर्मेट में हो उसी फॉर्मेट में एक्सेप्ट करते हैं। अब उसके बाद क्या करते हैं, डेटा जब वो एक्सेप्ट कर लेते हैं तो उसे ट्रांसलेट कर देते हैं इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स में, जिससे कि कंप्यूटर समझ सके। कंप्यूटर नॉर्मली तो ऐसा समझ नहीं सकता, कंप्यूटर नहीं समझ सकता अगर हम कुछ भी ऐसे इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल नहीं होंगे या बाइनरी कोड में कन्वर्ट नहीं करेंगे तो कंप्यूटर नहीं समझ सकता। तो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स में कन्वर्ट करना जरूरी होता है ताकि कंप्यूटर उस इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस कर सके। जैसे कीबोर्ड है, माउस है, ये माइक है, ये क्या है, इनपुट डिवाइस है। माइक इनपुट डिवाइस कैसे है, माइक में आप बोलते हो तो उसके जरिए आवाज जो है वो आपके कंप्यूटर में स्टोर होती है। तो क्या आप इनपुट कर रहे हो, कंप्यूटर के अंदर डेटा भेज रहे हो, तो ये इनपुट डिवाइस है। उसके बाद आते हैं पॉइंटिंग डिवाइस, ये भी क्या है, इनपुट डिवाइस का ही पार्ट है। कुछ पॉइंटिंग डिवाइस हैं जैसे लाइट पैन, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक्स। तो लाइट पैन है, लाइट पैन दिख रहा होगा कैसा होता है, ये किस काम आता है, स्क्रीन पर मूवमेंट करने के लिए, किसी भी चीज को मूव करने के लिए। जैसे कई जगह आप जाते हो तो वहां पे स्क्रीन पर काम करना होता है तो लाइट पैन दिया गया होता है काम करने के लिए, या साइन सिग्नेचर लेते हैं आपके तो लाइट पैन के जरिए ले लेते हैं स्क्रीन पर। इस पैन में क्या होता है, लाइट रिसेप्टर होता है जो कि एक्टिवेट हो जाता है जब इस पैन को हम किसी भी स्क्रीन से टच करते हैं। तो रिसेप्टर से स्कैनिंग बीम निकलती है और जिसकी वजह से पैन की पोजीशन पता चल जाती है स्क्रीन को कि कहाँ पर है, और वो पता लगा लेती है स्क्रीन की क्या करना चाह रहा है ये। उसके तो बाद आते हैं वॉइस स्पीच इनपुट। वॉइस स्पीच इनपुट मतलब आप बोल के कंप्यूटर को आप कुछ भी कमांड दे सकते हो। जैसे हमारे मोबाइल्स में आता है गूगल असिस्टेंट, या एप्पल्स के फोन्स में आता है सिरी। तो कंप्यूटर को डायरेक्टली क्या करना, इनपुट देना, बोलकर काम करवाना। ये अभी हालांकि इतना ज़्यादा हाईली एडवांस नहीं हुआ है, लेकिन हाँ काफ़ी हद तक ये एडवांस बोल सकते हैं। तो कुछ प्रॉब्लम्स हैं स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम में, क्योंकि हर इंसान के बोलने का तरीका एक जैसा नहीं होता। इसके बाद आते हैं स्कैनर। मैं पहले स्कैनर की फोटो दिखा देता हूँ आपको। ओके, तो स्कैनर क्या करते हैं, कोई भी इन्फॉर्मेशन होती है जो हमारे पास, मान लीजिए किसी डॉक्यूमेंट में या कोई फोटो है या कोई ड्राइंग है, कोई फोटोग्राफ है, आप उसे कंप्यूटर के अंदर कैसे डालेंगे, कंप्यूटर के अंदर कैसे इंसर्ट करेंगे, तो उसे ग्राफिक फॉर्मेट में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जो क्या काम क्या करता है, स्कैनर करता है। स्कैनर क्या करता है, आप जैसे ये फोटो दिख रही है आपको, ये फोटो लगा दी हमने ये इधर स्कैनर के अंदर, और स्कैनर क्या करेगा, इसे स्कैन कर लेगा और कंप्यूटर में एक ग्राफिक फॉर्मेट में आपको दे देगा। इसमें क्या, जो ऑप्टिकल इमेज है, जो फोटो है आपके हाथ में, वो डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाती है और आपके कंप्यूटर में स्टोर हो जाती है। और ग्राफिक इमेज जो है वो आप आसानी से अपने कंप्यूटर में देख सकते हो और यूज कर सकते हो, और या तो वो ब्लैक एंड व्हाइट में हो सकती है या कलर में हो सकती है, जैसे कि आप चूज करेंगे। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है सोर्स डेटा ऑटोमेशन, ये भी किस में चल रहा है अभी, हमारा इनपुट डिवाइस में ही चल रहा है। ठीक है, ये सारे जितने भी पार्ट्स हैं ये इनपुट डिवाइस के पार्ट्स चल रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको इतनी लंबे लंबे आंसर्स याद करने की जरूरत है या कुछ भी आपको नोट्स बनाने की जरूरत है, कुछ ऐसा करने की जरूरत नहीं है। बस जो ट्रिपल सी का जो एग्जाम है उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे, आप हर ट्रिपल ये वीडियो देख लेना बस और समझ लेना अच्छे से। बाकी अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए तो आप इजीली आपका एग्जाम अच्छा जाएगा। टॉपिक समझना है आपको, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है अपना, कि इन डिवाइसेस के बारे में समझना है कि ये क्या होता है, कैसे काम करते हैं, बस इतना। ऐसा नहीं है कि इतने बड़े बड़े आंसर आपको इंग्लिश में याद करने की जरूरत है। तो सोर्स डेटा ऑटोमेशन, सोर्स डेटा ऑटोमेशन क्या होता है, हमें ना तो बोलने की जरूरत पड़े ना ही कुछ टाइप करने की जरूरत पड़े। अभी क्या था, हमें टाइप करने की जरूरत पड़ रही थी, फिर एक ऐसा डिवाइस आया जिससे कि हमें बोल सिर्फ टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ी, बोल के काम हो गया, लेकिन अब क्या बोलना भी नहीं पड़ रहा। तो सोर्स डेटा ऑटोमेशन ये होते हैं सोर्स डेटा ऑटोमेशन। तो ये भी बहुत सारे यूज किए जाते हैं। आपको शायद नहीं समझ में आ रहा होगा इस समय कि कौन से डिवाइसेस हैं, लेकिन जैसे ही मैं अभी आपको फोटो दिखाऊंगा तो आपको पता चल जाए। तो ये ज्यादा बिजनेस एक्टिविटीज में यूज किए जाते हैं या स्टडी रिलेटेड एक्टिविटीज में भी यूज किए जाते हैं। मैं आपको इनकी फोटो दिखाता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे पहला है
MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन या रीडर भी यूज कर लेते हैं कहीं, दिखा देता हूँ। हाँ तो ये चेक है, चेक में क्या है, MICR कोड होता है, तो कोई भी चेक की कॉपी ना हो सके तो हर एक चेक का MICR कोड दिया जाता है। तो ये MICR क्या मशीन है इसकी, इससे चेक की वैलिडेशन की जाती है कि ये चेक सही है नहीं। MICR मशीन है, ज़्यादातर बैंकिंग इंडस्ट्री में यूज होता है चेक्स पर। उसके बाद है OMR, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। तो ये दिख रहा है ज़्यादातर जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं, बैंक PO, ज़्यादातर आजकल तो सभी वैसे ऑनलाइन हो रहे हैं, लेकिन पहले क्या होता था, OMR शीट होती थी। OMR क्या करता है, जैसे कि ये OMR शीट है, ये इस OMR डिवाइस के अंदर गई, तो ऑप्टिकल मार्क है, ये जो डॉट हमने लगाए हैं ऑप्टिकल मार्क है, तो ये डिवाइस क्या करेगा, इस डॉट्स को रिकॉग्नाइज कर लेगा और ये प्रोसेस कर देगा और इन्फॉर्मेशन दे देगा कि कितने सही हैं कितने गलत हैं इसमें। OMR शीट है, OMR डिवाइस। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद ऑप्टिकल बार कोड रीडर, ये है, देखा होगा आपने शॉपिंग मॉल्स में जाते हैं आप तो ये देखा होगा, कोई भी प्रोडक्ट आप परचेस करते हैं तो ये ऑप्टिकल बार कोड रीडर से स्कैन करता है, और क्योंकि कंप्यूटर पर टाइप करेगा तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, और जितने भी जो कस्टमर्स खड़े हुए हैं लाइन में वो और ज़्यादा वेट करना पड़ेगा उनको। तो ऑप्टिकल बार कोड रीडर क्या करता है, वर्टिकल बार्स हैं ये जो आपको दिख रहे हैं, तो इन्हें स्कैन करता है, इनकी डिफरेंट डिफरेंट लंबाई, इनकी जो चौड़ाई होती है वो अलग अलग होती है, तो इसमें कुछ टैक्स हैं, मर्चेंडाइज, और इनकी मतलब एक अलग ही सिस्टम है कि कैसे इनमें डेटा स्टोर किया जाता है, तो वो अभी हमारे मतलब का नहीं है CCC में। तो अभी आप सिर्फ ये जान लें OBCR क्या है, OBR ऑप्टिकल बारकोड रीडर। तो दोस्तों आज के ट्यूटोरियल में इतना ही, आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, और दोस्तों अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आप मिस ना करें।